Okay, we are back with a new question. In the given circuit, find Vs if I not equals to 2 at an angle of 0 ampere. अब देखो यहाँ पे I not जो दे रखा, I not ये वाली करंट है, इसकी हमें दे रखा फेजर फॉर्म में. इसे हम पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे. तो देखो जिसमें करंट दे रखी है उसी में Vs की इसी फॉर्म में हम आंसर लेकर आएंगे. तो करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ आई नोट को. अगर देखो कोई हमें फेजर फॉर्म में दे रखा आर एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन इसको रेक्टेंगुलर में क्या चेंज करते हैं, तो वो इक्वल होता आर कोस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा किस में, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज, सॉरी ये फेजर टू रेक्टेंगुलर. तो आर यानी आर यहाँ पे टू और थीटा जीरो डिग्री, टू कोस जीरो प्लस जे टू साइन जीरो. तो ये कितना आ गया, टू एट एन एंगल ऑफ जीरो को क्या लिख लूंगा मैं, ये आ गया टू और ये हो जाएगा साइन जीरो जीरो. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू के. केवल आई नोट की वैल्यू आ चुकी है टू. अब देखो आगे क्या करना है, सर्किट को सबसे पहले ध्यान से देखो, उसमें ये देखो कि कितना उसे रिड्यूस कर सकते हो. ऐसा करने से क्या होगा कि कम से कम इक्वेशन बनेंगी और सर्किट को सोल्व करना आसान रहेगा, कम से कम टाइम लगेगा. यहाँ पे ध्यान से देखो, उन ब्रांचों को कभी नहीं छेड़ना जिन जिनमें करंट पूछी हो या दे रखी हो. ठीक है, तो इस वाली में दे रखा है, इस वाली ब्रांच को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे. ठीक है, ये वाली को नेक्स्ट. और क्या कर सकते हैं हम, इसको तो नहीं छेड़ सकते, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में. इसके बाद सीरीज के साथ ये दोनों क्या है, पैरेलल में. तो हमें यहां से देखने पे क्या पता लग रहा है, ये दोनों जो हैं सीरीज में, जिसके साथ ये J4 केस में है पैरेलल में. तो मैं क्या करूंगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं इस टोटल को Z कहता हूं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसको मैं केवल जेड कहता हूँ, तो जेड की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मैं एक बार सर्किट को यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ दोबारा से. यहाँ पर आ जाएगा ये जेड, ठीक है, ये पूरा जेड आ जाएगा. उसके बाद क्या, यहाँ पे वी एस, उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर दे रखा है जे टू ओम, उसके बाद एक कैपेसिटर माइनस जे वन ओम, उसके बाद रजिस्टर वन ओम का, और यहाँ पे आई नोट दे रखा जिसकी वैल्यू दे रखी है टू एम्पियर. ठीक है, मैंने उसमें चेंज कर लिया. अब जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो जेड में देखो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, जेड क्या होगा, टू और ये वाला, ये तो सीरीज में, तो ये आ जाएगा टू माइनस, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा. ठीक है, और ये पैरेलल में है किसके, जे फोर के. जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या होता है, अगर मान लो जेड वन और जेड टू पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू. तो ये काम यहाँ पर करेंगे, ये जेड वन ये जेड टू मान लो इसको, टू माइनस जे टू मल्टीप्लाई बाय जे फोर अपॉन टू माइनस जे टू प्लस जे फोर. Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं यहाँ टू कॉमन ले रहा हूँ, वन माइनस जे इंटू जे फोर, ये कितना बचेगा, यहाँ से ये टू प्लस जे टू. ठीक है, टू यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, कितना बचेगा ये, टू वन माइनस जे इंटू जे फोर, और यहाँ से टू कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा, वन प्लस जे, इस टू से टू कैंसिल. ठीक है, तो J इक्वल टू कितना आ गया, वन माइनस जे वन प्लस जे इंटू जे फोर. इस वन माइनस जे मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसका रेशनलाइज करके, तो जे जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन माइनस जे का ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू जे फोर, नीचे बन जाएगा वन माइनस जे स्क्वायर, यानी वन माइनस जे स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, जेड इक्वल टू इसका फॉर्मूला खोलो, वन प्लस जे स्क्वायर माइनस टू जे
इंटू जे फोर अपॉन, ये कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, जेड इक्वल टू कितना आ गया, जे स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 -2j इंटू j2, तो ये कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, -2j इंटू j2, तो ये कितना आ गया, -4j2, जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जे जेड इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम। तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, 4 ओम। ठीक है, यानी इस जेड की जो वैल्यू कितनी होगी, 4 ओम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मान लिया इसके रेफरेंस में, यहां से फाइंड करने, इस नोड का वोल्टेज मैंने मान लिया कैपिटल वी है। ठीक है, इस कैपिटल वी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो मुझे यहां से लेके ये वी जो होगा यहां से लेके यहां तक है, और मुझे इस वाली करंट की वैल्यू पता है, तो वी कस्ट टू आई आर होता है, वी कस्ट टू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ये रहा 1 ओम और -j1 ओम, तो 1 - j1 इंटू करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - j2 इतने वोल्ट। ठीक है, वी की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं देखूँ यहाँ पे इस वाले नोड पे क्या लगाता हूँ, KCL लगाता हूँ। ठीक है, तो इस पे मैं KCL लगाता हूँ, मान लो इसमें करंट S आ रही है, इसमें करंट S जा रही है, और इसमें S जा रही है, तो KCL क्या कहता, किसी भी नोड पर जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट लीव करने वाली करंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ये वाली आ रही है और ये दोनों जा रही हैं, तो इस वाली करंट का सम इक्वल्स टू दिस वाली करंट, मैं इसको I1 कह देता हूँ एक बार के लिए, इसको I2, इसको I3। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3, लगाओ यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये वाली ब्रांच कहाँ से, I1 वाली जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे यानी ये ग्राउंड, ग्राउंड यानी 0 वोल्ट। ठीक है, माइनस, अब जितने भी वोल्टेज आते जाएंगे, यहाँ पे कितना आया पहले, VS आया, VS का देखो प्लस वाला टर्मिनल है पहले, तो प्लस वाला VS। ठीक है, अगर माइनस होता है यहाँ पे माइनस वाला टर्मिनल लेते, यहाँ पे V का ये कौन सा, प्लस टर्मिनल, अपॉन टोटल जो भी इम्पीडेंस आया हो इस पाथ में कितना, 4 ओम केवल, अपॉन 4 इजिकल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो इस बार वोल्टेज कितना, V माइनस 0। ठीक है, V माइनस 0 अपॉन J2 प्लस, ऐसे ही इसमें तो हमें करंट पता है ऑलरेडी, जो I3 है वो किसके इक्वल है, I0 के, यानी 2 एम्पियर। अब देखो बस यहाँ से क्या करना है मुझे, मुझे क्या V की वैल्यू पता, V की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 0 - VS की वैल्यू कितनी है, सॉरी VS हमें निकालना, V की वैल्यू हमारी आई है 2 - J2, 2 - J2 अपॉन 4 प्लस V की, सॉरी इक्वल्स 2 - J2 अपॉन J2 प्लस 2, इतना आ गया। मैं क्या करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पहले आसान बनाने के लिए, VS प्लस 2 - J2, 4 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन J, 2 - J2, और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो माइनस VS प्लस 2 - J2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 अपॉन J, ये कितना हो जाएगा, J से J कैंसिल, -4 प्लस 8, इस वाले माइनस की मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अभी रुक जाओ पहले एक स्टेप और, जे को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 4 माइनस का हो जाएगा, 8 - 4 4 बचेगा, इस वाले माइनस के इधर मल्टीप्लाई करो, तो वी एस प्लस 2J कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4J - 4, अब इन्हें इधर ले आओ। ठीक है, 4J - 4 - 2 + J2, तो वी एस की जो वैल्यू आ चुकी है कितनी आ चुकी है, -6 + 6J। मैंने कहा था उसको किस में फेजर फॉर्म में लिखना, जो आंसर आएगा वी एस की वैल्यू आ चुकी है इतनी, अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, फेजर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी देखो फेजर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का इसको क्या करेंगे, ठीक है, और एंगल
टेन इनवर्स एंगल, टेन इनवर्स कौन सा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36, 36, ठीक है, 72 हो जाएगा, या 6√2 मैं इसको लिख लूंगा। इसका माइनस वन आ जाएगा, ये टेन इनवर्स वन यानी पाई बाई फोर यानी -45 डिग्री, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो इतना आ चुका है। अगर आंसर हमें पॉजिटिव एंगल में देना होता क्या हो जाता, देखो मैं एक बार और बता दूं इसको कैसे लिखते हैं। ये -6 यहाँ पे होगा रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, और 6j कहाँ होगा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे मीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा कितना होगा, -45 डिग्री। हम कहाँ से एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो ये -45 है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना बचा, 135 डिग्री। तो इसका दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है आंसर की, VS=6√2 एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो आंसर आ चुका है, ठीक है, 6√2 एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री या -45 डिग्री। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देखो ये मैं हर एक स्टेप को काफी ओपन करके दिखाया, अगर करते तो यहीं पे ये Z1 Z2 यहीं पे पता लग जाता और एक ही दो तीन लाइन में खत्म हो जाता क्वेश्चन। तो मैंने इसको हर एक पॉइंट को ओपन करके दिखाया कि कैसे कैसे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।